तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एफ गेम पे। तो गाइस, आज से हम लोग एक नई गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मुझे कि मैं माइनक्राफ्ट की गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करूं, आप लोग मेरी क्रिएटिविटी एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो उसी वजह से मैंने ये चालू कर दिया। यहाँ पे आपने मेरा कैरेक्टर तो देख ही लिया, ये मेरा नाम है सॉलिड, जो भी इसे कहते हैं। तो आप लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड ये वर्ल्ड तो मैंने ऐसे ही खोज किया था, मतलब बेसिकली कि मतलब मैं ये चीज़ें मोबाइल पर कर रहा हूँ, मोबाइल पे खेल रहा हूँ मैं ये वाला ना। तो इस वजह से थोड़े बहुत बेसिक्स जानने थे, तो वो जानते जानते मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड तक ढूंढ लिया था। बड़ी जल्दी मिल गया था एक्चुअली, लेकिन फिर भी तो ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह ऑन कर दिए, तो चलिए क्रिएट कर देते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बेसिकली मैं पूरा अनकट ही रखूँगा, मतलब शायद से माइनिंग या कुछ भी चीज़ तोड़ना बनाने के टाइम पे हो सकता है कि मैं कट करूँ, क्योंकि वो पार्ट सही में काफ़ी ज़्यादा बोर है। मतलब देखने में बोर है, करने में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन देखने में तो और ज़्यादा बोर है। और ये काफ़ी बढ़िया स्पॉन है वैसे, सामने घोड़े हैं, उधर दो टाइप के पेड़ वगैरह हैं। चलो ठीक है, छोड़ो। तो हाँ, भले ही मैंने उधर स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह कुछ भी ढूंढा होगा, बट फिर भी मोबाइल में मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं मोबाइल में ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, स्पेशली माइनक्राफ्ट तो मैं मोबाइल में खेलता ही नहीं हूँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ बेयर विद इट। बाकी इतना भी ज़्यादा मतलब बुरा हाल नहीं है, खेल सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। एंड किसी दिन मैं ट्राई करूँगा कोई तो ना, मतलब एक बार हमारा चैनल अच्छा बड़ा ग्रोथ हो जाए उसकी अच्छी, तो सर्वर बनाएंगे एंड फिर हम साथ में खेल सकते हैं। अभी तो आप लोग मुझे ऑफ कैमरा तो हम खेल ही सकते हैं। आप लोग मुझे, आपने मेरा नाम तो देख ही लिया है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो एंड मैं एक्सेप्ट कर लूँगा मोस्टली, एंड फिर हम लोग साथ में खेल सकते हैं। ये अलग बात है कि फिर हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं भी डिस्कॉर्ड सोच रहा हूँ मैं चालू करूँ, लेकिन इतने इनिशियल स्टेज पर डिस्कॉर्ड कौन बनाता है। चलिए छोड़िए, देखते हैं वो जैसा भी होगा वो हम देख लेंगे। बाकी अगर आपको खेलना होगा तो जैसा मैंने पबजी का भी किया था, वो तो अभी खैर बैन हो चुका है, हम नहीं खेलेंगे वो, जो भी है। तो इसमें तो हम खेल ही सकते हैं। तो ये बाकी का पेड़ छोड़ो, बड़ा बोरिंग काम है। ये पेड़ लगवा लेते हैं यहाँ पे ऐसा, नहीं नहीं फिर ये एंट्रेंस बंद हो जाएगी, ये केव के काफ़ी डीप है वैसे। ठीक है, तो किस तरफ, इस तरफ लगा लेते हैं थोड़ा सा ना, एक कहाँ पे, ओके वो काफ़ी दूर हो जा रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे इसके प्लैंक्स बनाने हैं एंड उसके बाद में ये क्राफ्टिंग टेबल। मोबाइल में बनाने का ये एक इजी वे है, क्योंकि उसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी हो जाता है ऐसे वाला। जैसे ये मैंने इधर ये क्लिक किया, ये मिल गया, ये क्लिक किया मिल गया, स्टिक्स चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, तो ये सारे टूल्स तो मैंने बना लिया हूँ, यहाँ पे पिकैक्स मिल गए, ओके। तो जल्दी से स्टोन का बना लेते हैं, लेकिन एक सेकेंड, मुझे सिर्फ एक्चुअली पिकैक्स बनानी थी। ये मैंने क्यों बना लिया बाकी के टूल्स, कि पत्थर तो यहाँ पर है, मैं नवे तो मैं बनाऊँगा ही, मतलब उन सबको पत्थर का तो करूँगा ही। ये माइनर मिस्टेक्स है, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हो बड़े आसानी से। पहले एक मिनट रुको, स्टिक्स बना लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पिकैक्स तो चाहिए एंड तलवार भी रख लेते हैं एंड थोड़े बहुत एक्स और सभी बना लेते हैं एक्चुअली। तो ओ, ये दो दो क्यों बन गए, एक सेकेंड। हाँ ओके, अब ठीक है, सब मिल गए। ठीक है, तो इसको एक मिनट इधर उधर कर लेते हैं, थोड़े लकड़ी के यूज़ तो करूँगा नहीं मैं अभी, ये भी पत्थर एक ही लौता है, इनको ले लेते। वो एक शवल उधर ही रहने देंगे, एक मिनट ये उठा लूँ, क्या पता आगे कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे आसपास ही कई घर बना लेंगे वैसे, बकरी एक सेकेंड। ठीक है, ये तो मिल गया, अब हम यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर होके उधर दो बकरियाँ हैं। बेड का इंतज़ाम तो हो गया, चलो ठीक है। तो एक सेकेंड पहले इसको मार लेते, ये मिल गए खाना और बेड। और ये कैसी तो आवाज़ थी भाई, चलो फिर ट्रेन गई यहाँ से, ओके। और ओहो, ये कब से यहाँ पर है, ये विलेज तब से यहाँ पर था, एक सेकेंड, मैं पहले विलेज देखा ही नहीं, ये कैसे क्या हो गया, इतना बड़ा विलेज कैसे मिस कर दिया। और इधर कैसे तो स्केलेटन की आवाज़ आ रही है,
अब मोस्टली ये स्केलेटन की आवाज़ है, और ये तो अबैंडन्ड विलेज है पूरा, मकड़ी के जाले वगैरह सब, मतलब जाले रगे है यहाँ पर। और ये ब्रूइंग स्टैंड है ना शायद से, एक सेकेंड, हाँ ये ब्रूइंग स्टैंड ही लग रहा है। और ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है, वाह यहाँ पे कुछ, ओके यहाँ पे ये है, ठीक है। वो क्या था, आई थिंक सो, वो उसका नाम नहीं पता मुझे। हाँ ये ब्रूइंग स्टैंड है, और ये क्राफ्ट वगैरह सब रख दो, थोड़ी सी जगह बना देते हैं। एंड ये घर में रहना सही है, घर भी साथ ही में ढूंढ ही लेते हैं। बेड वगैरह नहीं है यहाँ पर, ओके नाइस। यहाँ पे ओके, पता ही था गिर जाऊँगा, रुक जाओ एक बार और ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर उधर लकड़ी डाल देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे ही तोड़ सकते हैं ना, नहीं इससे इससे टूटेगा, ठीक है ये मिलेगा, ओके पहुँच गए पहुँच गए। और ये चेस्ट, ओके नाइस, ब्रेड्स मिल गए काफ़ी सारे, और इसे ले लेते हैं, पेपर ले लेते हैं, ये पेड़ तो नहीं चाहिए हमें, वैसे ले लेते हैं, चेस्ट तोड़ेंगे तो वैसे भी मिल जाएगा हमें। एक सेकेंड, हाँ जैसा मैंने सोचा था मिल गया, इसे फेंको, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ऐसा के इसे यहाँ पे फेंकेंगे, ठीक है गिर गया नीचे, ठीक है वैसे कुछ मतलब नहीं था वो, लेकिन ऐसे ही मैंने डाल दिया उसमें। हाँ यहाँ पे कुछ है बैरल में, बैरल तो हमेशा खाली मिलता है। और ओह ज़ॉम्बी विलेजर, इसे अगर मैंने क्योर कर दिया तो फिर ये मतलब अच्छा हो जाएगा, ये कम दाम में मुझे सामान देगा, बाहर तो नहीं आ रहा है ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसे यहीं पे लॉक कर देते ताकि ये कहीं भाग ना जाए। ये रहा लॉक, ठीक है तो एक मिनट रुको, पहले इसके कोई और एंट्रेंस तो नहीं है ना, कहाँ चढ़ा हूँ बेड पे, क्यों चढ़ा है तो, ठीक है तो ये घर पूरी तरफ से पैक हो गया, हमारे पास में एक विलेजर तो एटलीस्ट आ गया है। एंड इस वाले इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इतना छोटा सा रूम है, और ये जाले ना एक तो ये बड़ा परेशान कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको, हाँ तो कितना छोटा घर था, उधर तो कुछ ही नहीं आएगा। ये बिल्ली का बच्चा, वैसे तो बिल्ली अभी तो पाल नहीं सकते मेरे पास में, आई थिंक सो मछलियाँ ही खाते हैं ना वो लोग, तो वो है नहीं। और ओके ये तो वही है, ये तो एक है मेरे पास, ये ऊपर, ये यहाँ पे तो आ चुका हूँ मैं, ओके तो कौन सा घर चूज़ कर सकते, आई थिंक सो सारे घर मैंने चेक तो कर लिया, ये एक रह रहा है शायद से, नहीं ये भी तो चेक किया ही था ना, वैसे कौन से घर में रहना है एक्चुअली मेन वो है। ये घर में तो ज़ॉम्बी विलेजर है उसमें नहीं रह सकते, ये घर में बहुत सारे जाले हैं तो इसमें भी रहना तो कुछ काम का नहीं है। ये ब्रूइंग स्टैंड ही है इसमें, हाँ कांच तोड़ के तो नहीं मिलेगा ना, और तो कहीं पे क्या कह रहे हैं एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शुरुआत में ही इधर ये मिल गया, और मतलब अबैंडन विलेज मिल गया, और पता नहीं क्या है। और ठीक है तो ये घर थोड़ा बहुत मुझे सुधरा हुआ लग रहा है, तो इसी घर में रह लेते हैं। और ये एक सेकंड, तलवार से जल्दी निकलेगा तो अच्छा ही हुआ एक तरह से कि मैंने तलवार भी बना लिया था, उससे ये जाले बड़ी जल्दी तेज़ी से निकल जाते हैं। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये रहा, इसी घर को थोड़ा बहुत ठीक करके हम यहाँ पर रह लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर ये, इसे भी छत भी बंद करो, और एक यहाँ पर भी, इधर से भी ये जाले निकालना होगा। एक सेकेंड, ये रहे जाले, कलेक्ट नहीं होगा क्या, छोड़ो। वैसे हमें बकरी अगर नहीं भी मिलती तो आई थिंक सो इससे हम वुल बना सकते, क्योंकि ये तो थ्रेड है ना, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है इस बात का, बाकी उधर की जाली, हाँ ओके इतने भी नूब नहीं है। और ये यहाँ पर एक सेकेंड, ओके तो ये थोड़ा बहुत रहने लायक तो हो चुका है। क्राफ्टिंग टेबल एक डाल देते हो, एक सेकेंड बाहर से भी इसे थोड़ा बहुत ठीक करना होगा, ये बाकी इसे तो हम पूरा सुधारेंगे किसी दिन, या आज ही कर लेते चलिए, वैसे भी कुछ है नहीं, माइनिंग तो कल से ही स्टार्ट करेंगे आई थिंक सो। पहले बेड बेड घर का मतलब सोन घर का इंतज़ाम हो गया, ये इसी घर में रहेंगे। एंड बेड के लिए भी मेरे पास में क्राफ्टिंग टेबल है यहाँ पे, इससे बना लेता हूँ मैं एक,
रिस्पॉन्ड पॉइंट हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे रख देते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बाद में वक्त रहते मतलब बाद में बड़ा कर लेंगे हम लोग। अभी चेस्ट ऐसा रख लेते हैं इसके ऊपर ही। ये सारे जो हमने निकाले हैं ये सब रख देते क्योंकि मैं अभी सिर्फ ये गांव को थोड़ा बहुत देख लूँगा। नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बाकी सब चीज़ें रहने देते हैं। और क्या रख सकते हैं बस फिर। ओके तो अब कौन सी डायरेक्शन में जाया जाए। इस तरफ से तो हम आए थे, इस एक मिनट खाना खा लेते पहले। ओ ये तो अपने बच्चे के साथ है वैसे, ठीक है कोई नहीं। तू इधर, तेरी सज़ा है कि तू अकेला था इसलिए अब तू मर गया। पेड़ ले लेते क्योंकि अभी हमें वो घर को ना सिर्फ सुधारना है बल्कि हमें उसे और बड़ा भी करना है, तो उसके लिए ये सब लगेंगे। ठीक है तो वो स्टेयर्स बना लेते फटाफट से, काहे हूँ यहाँ पे था। स्टेयर्स बनाकर ये जो घर के बाहर की जो जालियाँ तो हमने निकाल दिया ना, हाँ ठीक है निकाल तो दिया है। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, इसे एक सेकेंड, ये पहले प्लैंक्स, उसके बाद में फिर स्टेयर्स कैसे बनी जाती है। ठीक है एक दौर तो बन गया और इसे रख लेते बाकी का, और बाकी के स्टेयर्स बना लेते लेकिन वो हम कल करेंगे। हाँ ओके, काफ़ी प्यारी सी नींद थी ये, और इसमें हमने देख सकते हो आपने काफ़ी सारे हमने सामान रख दिए है। स्टेयर्स बनाना था मुझे तो ये रहे स्टेयर्स, 20 स्टेयर्स हो गए। ठीक है कोई नहीं, इतने लगेंगे भी क्या मुझे, क्या पता। तो पहला हमें यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे हाइट चाहिए होगी थोड़ी बहुत, एक ये क्लियर कर लो। ओके हाँ वैसे इधर ऐसे ही लग जाएगा, हाइट की ज़रूरत नहीं। ठीक है तो यहाँ पर भी ये उल्टा है, क्यों लग जाते हैं भाई ये। ओके हाँ तो मैं इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोर है, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ बोर नहीं लग रहा है लेकिन आपको देखने में काफ़ी बोर लग रहा होगा। तो मोस्टली अभी ये क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है तो मैं सब कुछ ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट मोस्टली कल से मतलब नेक्स्ट एपिसोड से तो ऐसा नहीं होगा, बाकी मेरे पास मतलब डॉट वगैरह नहीं है तो ऊपर इसी से जाना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट देखने में भी अच्छा लगेगा बट जो उसका प्रोसीजर है वो भी बड़ा बेकार है। तो ये ऊपर से भी फिक्स हो गया है। हाँ ओके तो यहाँ से उतर जाते एक सेकेंड, ये भी लेते चलो। तो इतनी ये स्टेयर्स रह गई है, इन्हें हम रख देते हैं या तो लेकर चल लेते, नहीं रख ही देंगे ना इसे साथ में लेकर, मैं क्या करूँ। इधर रख दो, प्लैंक्स भी नहीं चाहिए अभी के लिए, ये भी रखो। ओके अब हम बिना झंझट के बिना किसी परेशानी के घूम सकते हैं यहाँ वहाँ। तो ओके तो ये खेत है, एक सेकंड पहले ये निकाल लूँ। खेत वेत सब भी ना सही कर दूँगा मैं, या तो ऑफ कैमरा ही कर दूँगा या तो वो उसके लिए पता है मतलब क्या ही कर सकते हैं ना, ये पूरा पूरा एक्चुअली विलेज सुधार देते हैं। और ये केव नाइस, चले ही जाते हैं एक्चुअली अंदर। इस तरफ तो काफ़ी अंधेरा है और इस तरफ थोड़े बहुत कोबलस्टोन भी तो चाहिए हमें, एक सेकेंड। अभी अंदर नहीं जाएंगे, पहले वो बनाना है ना हमें, टॉर्चेस बनाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें आसपास की चीज़ें दिखेगी भी। और ये फटाफट से ये सारी चीज़ें ले लेते तो ऐसी सब टाइम में जो है कट डालना या तो वो 2x पे चलाना ज़्यादा बेहतर है। वैसे मेरा बड़ा मन कर रहा है अंदर जाने का, उधर जाए या राइट में जाए कि क्या फंस जाए। एक सेकंड पहले इधर से रास्ता बना लूँ मैं, ये शवल थी ना मेरे पास में। ठीक है ओके तो यहाँ पे बाहर तो आ गए हम, और एक सेकंड ये फर्नेस बनाने के लिए शवल ये बना किया था, ये ऐसे ही है।
ये ऐसा ये यहाँ से ये ऐसा और इधर से ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो देख लो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, उससे जल्दी है कि सिर्फ एक क्लिक और वो करना ही होता है। तो यहाँ पे ये वाली ये इधर ये क्यों है, ये निकालो इन्हें, इधर ये रख देते एंड इसे भी निकालो, ये भी मेरे कुछ काम का नहीं है। और फर्नेस में पका लेते थोड़ा बहुत, पहले इधर से ये ले लेता हूँ और ये रख लेते हैं, एक सॉरी उल्टा बोल दिया, ये रख लेते हैं एंड एक सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस वाले, बहुत आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे तो काफ़ी लो लाइट दिख रही थी इसमें इतने टाइम से, इसके लिए करना पड़ा ये काम। और वो वुड के टूल्स तो इसी वजह से मैंने रखा था, बाकी तो कोई ख़ास वो नहीं था उसका। ये पक जाए तो मैं मतलब अपने साथ में थोड़ा बहुत लेकर उधर केव में चले जाओ, या अभी निकल जाते, अभी तो फूड बार हमारा ऑलमोस्ट फुल है ना। मेरा मतलब बड़ा ही मन कर रहा है अंदर जाने का, तो राइट में जाएंगे क्योंकि वी आर ऑलवेज राइट। और काफ़ी काफ़ी अजीब से साउंड था ये, और ये पता नहीं आप लोगों को सही दिख रहा है या नहीं, मुझे तो थोड़ा जैसा दिख रहा है उस हिसाब से मैं खोदते हुए जा रहा हूँ नीचे। इधर टॉर्चेस बनाने तक का वेट कर लेना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, अभी आ गए हम तो उतर ही जाते हैं। ये सीढ़ियाँ जैसी बना लेता हूँ मैं एक सेकेंड, और ये बना तो लिया है सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक की, तो काफ़ी नीचे तक नहीं मतलब एक ही एम फ्लोर उधर पर है और यहाँ पे थोड़ा सा, और ये और उधर नीचे तो पानी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये उठा लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो काम आएगा। ये पानी में जाऊँ या नहीं, एक सेकेंड, ठीक है यहाँ तक तो जैसे तैसे पहुँचो, काफ़ी डीप है ये, क्या करे, वापस चले यार। अरे कह रहा था वापस चले यार नीचे चले, तो इतनी देर में एक सेकेंड, एक ये क्या, ओ भाई ये क्या, एक सेकेंड, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहे ये, नहीं रुक जाओ, ओ भाई भाई ये तो पहले तो पानी का ये फ्लो बंद करना होगा नीचे, वो आयन था शायद, रुक जाओ इधर से, नहीं इधर से भी नहीं होगा, कोबलस्टोन से एक से ऊपर से बंद करते हुए फिर नीचे का, ठीक है ये फ्लो बंद किया। यहाँ पे भी इनको डालो, भाई यकीन ही नहीं हो रहा है भाई, ये भी एक सेकेंड, ये भी तोड़ो एंड ये जाले में से ज़्यादा दिख नहीं रहा, ये तोड़ूंगा तो वो आ तो नहीं जाएंगे, पहले ये आयरन ले लेते बहुत सारा है इधर। और भाई सही में मतलब उस वाले इसमें भी मुझे मिला था स्ट्रॉन्ग होल्ड, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मिला था, मतलब जल्दी भी थी वो, मतलब बाकियों के कंपेयर में जल्दी थी, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं मिला था मुझे, मतलब हार्डली हमने आई थिंक कितना कुछ 20 मिनट, हार्डली 15-20 मिनट हमने खेला और उतने में हमें ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। तो इधर कहीं आयन है नहीं, बाकी सही में यार बहुत मतलब बड़ी बात हो गई वैसे। ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ, एक सेकेंड इन्हें बंद करो, अभी पता ही नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वो भाई उधर रहना, इसे तोड़ देना चाहिए, यहाँ पे इन्हें भी निकाल लो। ओके तो ये दीवार तोड़ देते हैं अगर कोई निकला तो, ठीक है। तो इस वक्त थोड़ा बहुत हम जगह खाली रखेंगे एंड तलवार रेडी है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे कैसे यार, सेकेंड इसे निकालो, जाते ही वो तोड़ दूँगा स्पॉनर, वैसे भी वो स्पॉनर से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा अभी के लिए तो, बाकी कुछ और चीज़ का स्पॉनर होता तो हम शायद काम मतलब कुछ मिल भी जाता हमें। ओहो नाइस 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 नाइस, ओ भाई से हमें काफ़ी बढ़िया ये मिल जगह मिल गई हमें, बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे आई थिंक सो चेस्ट वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे आगे। ओ ओ ओ रुको 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 रुको, पहले ये डालो, ठीक है नाइस, बच गए
अभी ये मार तो नहीं पाएगा। और अरे इसकी आँख में नहीं देखा था मैंने, रुक जा तू निकल तू मर जा, इसे मार कर ही आई थी हमें आँख मिल जाएगी और इधर से आर पार तो हम भी नहीं मार पाएंगे इसे अभी। और इधर पीछे हवा तो मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, देख मैं तेरी आँखों में देख रहा हूँ, अंदर आ अंदर आ तू, एक सेकेंड ये वाला तोड़ के इसे नीचे से मार दो। आ गया आ गया आ गया, नीचे आया अंदर आया, ये नहीं इधर ही है, वापस आ वापस आ वापस आ, ओ हेलो वो वापस मत जा इधर आ। ए भाई छोड़ो एक सेकेंड, हेलो देख मैं तेरी आँख में देख रहा हूँ, हेलो हेलो काय, चलो ठीक है छोड़ो। बाकी जो भी है ये ख़तरनाक सी जगह है, ये बाद में हम एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन सही में मेरे पास में एक्चुअली अभी वर्ड्स नहीं बचे, क्योंकि पहले ही इसमें ये मिल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, और हार्डली हमने आई थिंक सो 15-20 मिनट ही खेला होगा और हमें उसमें ये मिल गया, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है और साथ ही में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। तो इस वक्त एक ही चीज़ करना सही है कि यहाँ से निकल जाते हैं, बाद में आ जाएंगे यहाँ पर। चलो ठीक है यहाँ पे तो सब चीज़ ले लिया, लेकिन भाई सही में ये एक काफ़ी बढ़िया जगह है, और नहीं जाने तो बाद में गोल्ड डिस्कवर करूँगा मैं। तो ठीक है फिर मैं इधर ये एंड करना चाहूँगा, क्योंकि इस मुझे नहीं लगता है मैं इससे आगे खेल पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड हाँ मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़रूर भेज देना। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।